हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हो, आशा करता हूँ आप एकदम से बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ पालपुर बाईपास, वहाँ पे जाने का रीज़न यह कि अपनी बाइक में मैं मॉडिफिकेशन कराने जा रहा हूँ। तो आगे वाले टायर पे व्हील कवर मैंने डलवा रखा है, आप देख सकते हो हाफ डलवाया हुआ है। तो अभी मॉडिफिकेशन कराने जा रहा हूँ मैं अपने बाइक के पिछले टायर की। तो यहाँ पे व्हील कवर पड़ा नहीं है, तो मैंने सोचा यहाँ पे व्हील कवर डलवा लेते हैं। व्हील कवर जो वो दो तरह के पड़ते हैं यहाँ पे, एक पड़ता है हाफ एंड एक पड़ता है फुल। हाफ जो पड़ता है उसको टाइम तो लगता नहीं है, ओनली 20 मिनट में इंस्टॉल हो जाता है, पर जो फुल होता है यहाँ तक उसको बहुत ही टाइम लगता है, क्योंकि ये पूरा चैन सेट भी निकालना पड़ता है, ये रोड निकालनी पड़ती है, डिस्प्ले निकालनी पड़ती है, क्लिपर्स निकालनी पड़ती है, एंड काफ़ी टाइम पे टाइम वगैरह लग जाता है, एंड वो थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है। बट हमें पैसों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमें एक अच्छी सी मॉडिफिकेशन चाहिए अपनी बाइक में। एंड आगे वाले की बात करूँ तो ये रहा हाफ, तो देखते हैं यहाँ पे गैप है, एंड जो फुल रहेगा वो पूरा यहाँ तक अंदर तक रहेगा। तो फिलहाल हम डलवाते हैं फुल, तो चलो चलते हैं बाईपास एंड देखते हैं वहाँ पे कितना टाइम लगता है। तो चलो चलते हैं यहाँ से फुल पावर। बाइक की मॉडिफिकेशन करने के लिए तो मैं चल पड़ूँ, पता नहीं आगे जगह कितना टाइम लगेगा मेरे को, क्योंकि जिस शॉप पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे ऑलरेडी बाइक्स लगी होती है, कोई सर्विस के लिए आ रखी है, कोई मॉडिफिकेशन के लिए आ रखी होती है। तो पता नहीं कौन सा नंबर पड़ेगा अपना, तो चलो शॉप पे जाके लगेगा पता। तो ठीक है गाइज, मैं आपको मिलता हूँ सीधा शॉप पे। तो फाइनली गाइज मैं पहुँच चुका हूँ बाईपास एंड रही फर्स्ट शॉप जो अब वो मॉडिफिकेशन वाली है। तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगेगा। पहले तो यार भाई से पूछना पड़ेगा टाइम है कि नहीं, व्हील कवर पाना पिछला। हाँ जी, बड़ा फ्री नहीं है। अच्छा तो भाई हो गया मोटा ही सीन, भाई साहब के पास टाइम नहीं है क्योंकि उनका छुट्टी का टाइम रखा है, एंड लड़के जो उन्होंने ऑलरेडी बाइक्स खोल रखी है। तो चलो चलते हैं कहीं आगे। भाई बिल कर पाएंगे, बिल कर पाएंगे। अच्छा हाँ जी, ठीक है। चलो भाई काम तो हुआ नहीं, एक भाई के पास टाइम नहीं और दूसरे भाई के पास है नहीं व्हील कवर। तो फिलहाल चलते हैं हम जिम, क्योंकि अपनी फिटनेस के साइड भी ध्यान देना चाहिए यार, जरूरी। तो भाई आप मेरे को कमेंट में जरूर बोलोगे कि आपने व्हील कवर कहीं और क्यों नहीं डलवा लिया। तो यार उसकी जो मॉडिफिकेशन कराता है वो लड़का, वो मेरे को बहुत ही मस्त लगती है उसकी मॉडिफिकेशन, क्योंकि उसका काम जो मेरे को पूरा अच्छा लगता है, इसलिए मैं हर एक काम वहीं पे करवाता हूँ। तो कल जाएंगे हम जल्दी और व्हील कवर तो डलवाएंगे डलवाएंगे यार, जो मर्जी हो जाए। ओ यार पागल ने बाइक चढ़ा दी डोगी के ऊपर, क्या यार कैसा इंसान है बेचारा। चलानी होती गाड़ी ठोक देते हैं, बताओ क्या कर रहे हैं यार। देखो भाई स्कूटी वालों को कितनी जल्दी लगी हुई है, बंदे ने इंडिकेटर दे रखा कि मैं लेफ्ट साइड टर्न हो रहा हूँ, फिर भी रॉन्ग साइड से चल रहा है यार। लो भाई आगे, तो आगे ट्रैफिक बहुत है, तो बाइक को यहीं पे लगाते हैं साइड में, एंड वो रहे गगन भाई की गाड़ी। तो चलो चलते सीधा जिम, बाहर तो आंसू की बाइक दिखने रही है। तो अभी सोया गया बेचारा, नाइट करके गया ड्यूटी, कोई सीन नहीं, उसको नीचे जाके कॉल करते हैं, अगर वो आ गए तो ठीक है, नहीं आया तो फिर हम अकेले आज वर्कआउट कर लेंगे। बहुत ही नीचे यार बेसमेंट में जाके है। तो गाइज अपना कंप्लीट हो रखा है वर्कआउट, तो अभी हम जा रहे हैं सीधा रूम पे एंड वहाँ पे डाइट वगैरह लेते हैं। तो मैं आपको सीधा रूम पे मिलता हूँ, क्योंकि अंधेरा काफ़ी होने वाला है।
वीडियो की क्वालिटी आपको पता है ये आने वाली है। तो अपने रूम पे मिलते हैं सीधे। तो फाइनली गाइस रूम पे पहुंच चुके हैं एंड प्रोटीन पी लेते हैं थोड़ा सा। तो वीडियो बनाने गए थे व्हील कवर की, तो बनाते बनाते कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ। तो ठीक है, आज की वीडियो को यहीं एंड कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑलवेज।